दिया। अरे फलक, बहुत बहुत मुबारक हो। देखा आपने, कबीर नहीं आया ना, इतनी बड़ी खुशी सुनने के बाद भी वो नहीं आया, उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। मतलब उनको मेरी कोई परवाह नहीं है, वो रहना ही नहीं चाहते। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मैं भी अपनी जान ले लेती हूँ। क्यों जरूरत है मुझे जीने की? अगर कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो उनके बगैर जीकर क्या करूंगी ना, मेरा बाहर जाना ही बेहतर है। छोड़ो फलक, नाराज हो? होना भी चाहिए। दिल जो दुखाया है तुम्हारा, ते जल्दी ख्याल आ गया मेरे दिल का। सच बता, मेरा ख्याल है या फिर? फलक, बच्चे की खुशी अपनी जगह, लेकिन बच्चे की माँ मेरे लिए ज्यादा अहम है। छूट, मेरी आंखों में देख लो, यकीन आ जाएगा। हद बुरे आप, बहुत बुरे। मैं कितना डर गई, मुझे लगा मैंने आपको खो दिया। अगर आप मुझसे हमेशा के लिए नाराज हो जाती तो कहाँ जाती मैं, क्या करती? हो ही नहीं सकता। तुम जानते हो ना कि तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। फिर रुलाते क्यों हैं? हालत ये हो गई, हंदा नहीं करूंगा। I'm sorry। Malik, thank you so much मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। सब क्या है कबीर? अपने होने वाले बच्चे और इसकी माँ का खूबसूरत वेलकम। इसका तो बस नहीं चल रहा था कि न जाने क्या क्या कर रहे ये। सुनो, तुमने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू। क्यों, तुम्हारे लिए सूप बनवाती हूँ। ओके, ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि आने वाले बच्चे के लिए इतनी मोहब्बत, इस चक्कर में कहीं अपने शौहर को ना भूल जाना। बहुत बातें बनानी आ गई आपको, बहुत ज्यादा। और इतना ख्याल मत रखे मेरा, मैं कोई बीमार नहीं हूं। इतना ही ख्याल रखना है। याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? तुम तो अपना ख्याल रखोगी नहीं, मुझे ही रखना पड़ेगा। फलक, आराम से, आराम से। क्या हुआ? इस हालत में थोड़ी एहतियात करनी चाहिए ना, वरना नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा ख्याल रखा करो। रखती तो हूँ ख्याल, अब क्या हर वक्त कमरे में बंद पड़ी रहा करूँ? मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन एहतियात तो जरूरी है ना। हाँ, वो कमरे में बैठ बैठ कर दम घुट रहा था, इसीलिए बाहर आ गई। तो
तुम कबीर को बोलो ना तुम्हें बाहर घुमाने ले जाए। उनके पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ है। लो तो मैं खबर लेती हूँ उसकी। तुम्हारा ख्याल रखना तो उसका फर्ज है। मैं बस किचन में जा रही थी, कुछ चाहिए तुम्हें तो बताओ। नहीं भाभी थैंक यू। तो कब जान छुटेगी मेरी। अरे फलक फलक फलक, मैं इतने ऊंची हील नहीं पहननी चाहिए। ना संभालती तो तुम गिर जाती। संभाल सकती हूँ मैं खुद को, मगर सहारा देने का शुक्रिया। ठीक हो ना तुम? देखो तुम्हारा पहला पहला बेबी है इसलिए कह रहे हो, वरना तुम खुद समझदार हो, अपनी मर्जी के मालिक। जी बिल्कुल अपनी मर्जी के मालिक हो, ये भी जानती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। अब तुम कहीं जा रही हो? मेरी फ्रेंड्स के साथ लंच है, वहीं जा रही हूँ। आपने कहीं ऑफिस आज? मैं असल में विजिट पे जाना है तो लेट ही जाऊँगी। अच्छा ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हेलो। हाय फलक, कैसे हो? बस बेजार है। मुझे तो लगता है सारे बेजार लोग मेरे लिए रह रहे हैं। फजूल बातें मत करो, पता भी है क्या हालात है मेरे? हर बात पे रोक टोक, ये मत करो वो मत करो। मुझे तो ऐसे लगता है आलिया भाभी को मौका मिल गया जैसे मुझे कैद करने का। अब रिलैक्स, थोड़ा सांस तो ले लो। सांस लेने पर भी तो पाबंदी है, पता नहीं वो चाहती क्या औरत मुझसे। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। उसे फॉलोअप करो एंड अपडेट मी। कुछ और टेंशन मत लो, हो जाएगा। वेल ये मेरी दोस्त है फलक, इससे मिलो। फलक ये मारिया। नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। मुझे लगता है तुम्हारी दोस्त कुछ परेशान है। इसकी मॉडल भाग गई ना इसलिए। मतलब ये एक फैशन फोटोग्राफर है, इसको मैगजीन के लिए शूट करना था लेकिन इसके मॉडल ने एंड टाइम पे मना कर दिया। सॉरी टू हियर दैट। वैसे तुम करोगी मॉडलिंग? कौन मैं? हाँ। नहीं नहीं। क्यों नहीं? तुम्हारा फेस इतना फोटोजेनिक है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो। हाँ फलक सोचा जा सकता है। तुम्हें पता तो है कि मैं ये नहीं कर सकती। अच्छा एनीवेज फॉरगेट इट, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था। हाँ सिराज, कुछ हुआ उसका? ठीक है तुम दूसरी मॉडल से बात करो। हेलो। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? कैसे? अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। क्या हुआ? Is everything all right? हमारी मेन ब्रांच में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई है। वर्कर्स अंदर फंसे हुए और इन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है, और बराबर वाली बिल्डिंग को खाली करवा दिया गया खतरे की वजह से। क्या हो गया? तो हमें तो वहाँ पहुँचना चाहिए फौरन। चले भाभी निकलते हैं। चल। आजी। जी जी बस हम लोग पहुँच रहे हैं। ओके ओके ओके। क्या कह रहे हैं वो? बस वो फायर ब्रिगेड पहुँच गई है, आग बुझानी शुरू कर दी है। सब तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नवाल आप ही देखा आपने? हाँ कबीर और आलिया किधर है? वो लोग अभी निकले हैं, ब्रांच गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, पता नहीं कैसे हुआ ये सब कुछ। फलक तुम हौसला रखो, कहीं तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाए। आपको किसने बताया? आप ही हमजा ने अभी मुझे फोन करके बताया है। अम्मी बहुत परेशान हो रही है, ये लोग इनसे बात करो। हेलो फलक बेटा। बेटा तुम परेशान ना हो, हिम्मत रखो मेरी जान। देखो अल्लाह के हर काम में बच्चे बहुत मसलहत होती है, अल्लाह मियाँ किसी एक मुसीबत में डालकर किसी दूसरी बड़ी मुसीबत से निकाल लेते हैं, तुम यकीन रखो मेरी जान। अम्मा इसमें क्या मसलहत होगी? आपको पता भी है कितना नुकसान हो गया? अगर आपको पता चल जाए ना कि हमारा कितना नुकसान हुआ तो ये आप बात कभी भी ना करती। अच्छा आग कैसे लगी? कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, वहाँ इतने लोग अंदर फंसे हैं, धनी क्या होगा।
मैं जानती हूँ तुम अकेली हो, मेरा बच्चा तुम परेशान हो रही होगी। मैंने कहा भी था नवाल से मुझे ले चले तुम्हारी तरफ, लेकिन ये मानी ही नहीं। हम इंशाल्लाह कल चक्कर लगाएंगे। बैठे बिठाए यहाँ इतना बड़ा मसला हो गया मम्मा, कैसे परेशान ना हो। आप लोग सुबह ही आ जाइएगा आराम से। अभी मेडिसिन खाइए, सर फट रहा है मेरा, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। बहुत अच्छा किया। तुमने खाना खाया, तुम रेस्ट करो। जी मम्मा खा लिया था, बाद में बात करूंगी। खबर ये कि कबीर फूड्स के मेन ब्रांच में शॉर्ट सर्किट के बाइस लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। हम यहाँ तेरे शुक्र है मेरे अल्लाह, तेरा शुक्र है। वर्कर्स को बाहिफाजत निकाल लिया गया, किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। उसका मसला हल हुआ या नहीं? कहाँ यार, उसकी परेशानी तो मजीद बढ़ गई है। ये शूट की डेट भी सर पर है, इसीलिए तो तुम्हें भी ऑफर कर रही थी वो। पता है बड़ी बड़ी मॉडल्स उसके साथ काम करने के लिए तैयार होती हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करती, उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लो। वो ऐसे ही किसी को ऑफर नहीं करती, उसने कुछ तो देखा है तुम्हें, तभी वो इस तरह कह रही है। और हाँ, तुम बिजी भी हो जाओगी। नहीं यार, तुम कबीर को तो जानती हो ना, वो कभी नहीं करने देगा। चलो ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी। बाय। वैसे तुम करोगी मॉडलिंग? तुम्हारा फेस इतना फोटोजेनिक है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लो। वो ऐसे ही किसी को ऑफर नहीं करती, उसने कुछ तो देखा है तुम्हें, तभी वो इस तरह कह रही है। हाँ फलक, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा कि आप लोग को फोन करके खैरियत ही पता कर लूँ, अब आप लोग के पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी जान, असल में मैं पूरा दिन ऑफिस में होती हूँ, फिर हमजा की तरफ चक्कर लगा लेती हूँ, अभी भी वही हूँ। हमजा के घर के चक्कर? खैरियत? हाँ वो बच्चों आई हुई है ना कनाडा से, तो कभी शॉपिंग कभी सैलून। अभी भी कह रही थी मुझसे कि सारे घर की सेटिंग तुम्हारी मर्जी से होनी चाहिए। फिर तो आप बिजी होंगी। थोड़ी बहुत। ठीक है फिर, बाद में फोन करती हूँ आपको। सब अपनी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहे हैं। एक मैम जो हमेशा दूसरों की मर्जी से जिंदगी गुजार रहा। क्यों? मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का कोई हक नहीं है क्या?